हेलो गाइस, आई बिलीव आप लोग बहुत मस्त हैं, अपने अपने कामों में बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो एक बार फिर से वेलकम बैक टू आवर चैनल द थ्री मिरेकल्स फैमिली। तो ऐसा है कि पिछली बार जब हम बैंकॉक आए थे तो हमने एक जगह जाना मिस कर गए थे हम एक जगह जाना, और वो जगह था, क्या नाम है, मानकॉन स्काई वॉक। सॉरी, मुझसे पूछो, सादिया से पूछो, मानकॉन स्काई वॉक, मानकॉन स्काई वॉक, मानकॉन स्काई वॉक। तो आज हम वहां जा रहे हैं और पूरी तैयारी ऑलमोस्ट हो गई है, टिकट वगैरह हमने निकाल लिया है, अब बस यहाँ से सफर वहाँ का तय करना है। और उससे पहले हम जहाँ ठहरे हैं वो रूम हम आपको दिखा देना चाहते हैं। ये जो अपार्टमेंट है ये इस एरिया का वन ऑफ द पॉश एरिया है और अपार्टमेंट भी है, जिसका नाम है द रिच पार्क। यस, मैं दिखा देता हूँ ये कैसा दिखता है। दिस इज द एंट्रेंस, हम अंदर दाखिल हो गए हैं। ये सादिया का एक रूम कह सकते हैं, और यहाँ से एक बहुत ही बेहतरीन व्यू है, मैं दिखा देता हूँ। सुपर्ब। और ये किचन है, ऑर्गेनाइज है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत तरीके से है सब कुछ, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं यहाँ पर ऑलरेडी हैं। और जो भी हमारे होस्ट हैं वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं भाई, बहुत ही हेल्पफुल है। ज़रूरत की सारी चीज़ें पहले से ही रखी हुई है यहाँ पर। हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा ये कॉफ़ी मशीन, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है ये क्या नाम है इसका, ये बना करके पीने में मैं बहुत मज़े कर रहा हूँ। और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं यहाँ का जो जो बालकनी है। ओके 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 ओके, बाहर जाते हैं। और ये रहा बाहर का नज़ारा, वॉशिंग मशीन भी है और ये दिखता है। हम 18th फ्लोर पे हैं और ये है ऊंचाई। नाइस। और बेडरूम ये रहा, ऑल सेट। यस सुपर। ये हमारा बिस्तर है और यहाँ से भी एक नज़ारा है, वही जो उस तरफ से देख रहे थे हम। और एक वार्डरोब है खूबसूरत सा, बढ़िया है, मतलब सब कुछ मिला जुला करके बड़ा ही मज़ा आ रहा है। ये सो ऊपर में एक वाईफाई है, राउटर है। तो अब हम निकलते हैं यहाँ से। हमने सोचा है कि हम यहाँ से बाई ट्रेन जाएंगे मानकॉन स्काई वॉक, और हमारे जो होस्ट हैं हमने उनसे गाइडेंस ले लिया है कि भाई कैसे कैसे जाना है। उन्होंने मैसेज में हमें सब कुछ लिख करके भेज दिया, तो हम फॉलो करने वाले हैं। तो पहला स्टेप ये होगा, हम जहाँ रह रहे हैं यहीं से जो ट्रेन का जो मामला है। अच्छा, एक स्काईलाइन ट्रेन भी है जो एयरपोर्ट से मतलब लिंक्ड है, और हम जहाँ ठहरे हुए हैं वो स्टेशन पास में ही है। तो हम पहले क्या करेंगे, उस स्काईलाइन ट्रेन में जाएंगे और वहाँ से हम एक जगह पहुँचेंगे जहाँ से BTS का रूट चालू होता है। बोलो बोलो बोलो, कुछ बोलने जा रही थी। नहीं, बोलना होगा अभी, बोलो। ऐसे मैंने कैमरा मैं ऑन करने जा रहा था, तभी मम्मा को कुछ बोलना था मुझे, तो जैसे मम्मा बोलने जा रही थी मैंने कैमरा ऑन कर दिया। तो बोल, अच्छी लग रही है वैसे माशाल्लाह। सादिया बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। और मैं तुम आज बहुत अच्छे लग रहे हो। हम जहाँ ठहरे हैं बेसिकली उस एरिया का नाम है खेत सुआंग लुआंग, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे हो तो जरा सा देख लीजिएगा गूगल वगैरह। ओके, क्या खेत सुआंग लुआंग? क्या खेत सुआंग लुआंग? हाँ, मुझे लग रहा है PM जो है वो उसके चेहरे से भी सूट कर रहा होगा ये, राइट? अगर ऐसा लगता है आप लोग को तो कमेंट करो, बहुत मारेगी मुझे। यहाँ का जो स्टेशन है उसका नाम है हुआमाक, और वहाँ से हम जाएंगे थाया थाई स्टेशन।
वहाँ जा करके वहाँ जा करके हम फिर रूट चेंज करेंगे, BTS वाला रूट पकड़ेंगे, फिर उस रूट से हम जाएंगे कहाँ जाएंगे, मानाकॉन स्काई वॉक, और वहाँ का जो स्टेशन है उसका नाम मैं अभी बताता हूँ आपको, चोंग नॉनसी स्टेशन। बाप रे बाप। तो चोंग नॉनसी स्टेशन जो है वो मानाकॉन स्काई वॉक के लिए ही है, मतलब वो स्टेशन के पास में ही है आई बिलीव, तो वहाँ फिर हमें उतरना है। तो अभी हम जाएंगे, बता दिए, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल हो जा रही है। सो मिलते हैं ट्रेन जर्नी में। 5 मिनट हो गए अभी। मानाकॉन स्काई वॉक पहुंचने में कितना वक्त लगता है, वहां पहुंच कर हम बता देते हैं। बेसिकली वी आर सम टिकट लेंगे और टिकट लेकर के हम जाएंगे हायर थाई स्टेशन। वेटिंग फॉर द ट्रेन। आई थिंक ट्रेन इज कमिंग। यस, यहाँ से अब हम एग्ज़िट करेंगे और एग्ज़िट करके जो रूट हम बता रहे थे BTS का वो लेंगे। सो BTS रूट में जाएंगे और वहाँ से हम लोग चोंग नॉनसी स्टेशन का टिकट लेंगे जो कि मानाकॉन स्काई वॉक के नज़दीक है। तो चलते हैं। So heading to Chong Non Si. Siam में हमें उतरना पड़ा, यहाँ उतर करके हमें रूट चेंज करना पड़ता है, पर इसी प्लेटफॉर्म पे ही आपको रूट चेंज करना है। और हम यहाँ इधर से उतरे और इस तरफ आ करके ये एक और रूट है और यहाँ पर हम लाइन में खड़े हैं। अब यहाँ से डायरेक्ट Chong Non Si स्टेशन, सही बोला मैंने, चोंग नॉनसी। यस प्रियम, पूरी चोंग नॉनसी लग रही है। सादिया मजा आ रहा है? कितना? बहुत। अच्छा है, मजा आ रहा है। ट्रेन आ चुकी है, नाइस, लेट्स गो पार्टनर्स। चोंग नॉनसी पहुंच गए हम लोग और अभी लगी है बहुत ज़ोरों की भूख हमें, तो हम अभी यहाँ पर कोई इंडियन रेस्टोरेंट में जाएंगे और शुद्ध देसी खाना खाएंगे, इंडियन खाना खाएंगे, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। बेसिकली हम लंच करने वाले हैं, तो लंच करने के बाद फिर जाएंगे हम लोग स्काई वॉक और जा कर के सनसेट देखेंगे। यस, हमने जर्नी शुरू किया था 4:05 में और हम यहाँ पहुँचे हैं 5, मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा हमें आने में। बेसिकली हमें जाना इधर है, यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ से जाना है बोरा, पर उससे पहले हम पहले कुछ खा लेते हैं, लंच नहीं किए हैं, भूख लगी बहुत ज़रूर की, तो खा कर आते हैं। अरे रुको यार। सो ये रहा मानाकॉन स्काई वॉक। ओहो, और जाएंगे हम लोग बिल्कुल टॉप फ्लोर पे, 78वां माला, 78th floor। वाओ, सुपर्ब, एक्साइटेड। लास्ट टाइम मिस कर गए थे हम लोग, इस बार हो रहा है, मुझे बहुत खुशी है।
चल। तो फाइनली एक रेस्टोरेंट मिला हमें। क्या नाम है रेस्टोरेंट का? तमिलनाडु क्या? हाँ, हमें तमिलनाडु में, बैंकॉक में, तमिलनाडु में लंच किया है। बैंकॉक आकर के हम तमिलनाडु का मजा लिया। मजा आया। यस। और अब हम जा रहे हैं जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, मानकॉन स्काई वॉक। ज्यादा हो गया? हाँ, ज्यादा कम सब मेरा है। अच्छा, हमारे की बॉलीवुड के रेस्टोरेंट है जी, हाँ, वो जो मालिक थे जी, ही हैज हेल्प्ड अस। उन्होंने कहा है कि यहाँ से शॉर्टकट ले लो, मेरे घर के पीछे ही है। सो इट इज योर सेकंड वन, योर नहीं है ये वाला? नहीं है। हाँ, ये वाला है। अच्छा, तब से GPS भी चल रहा है। कभी ना GPS पे भरोसा नहीं कर सकते, दीवार तक पहुंच जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यही पे होगा, ये तो यहाँ पे दिख रहा है। क्या पहुंच गए ऐसा लग रहा है। हेलो, यहीं से मानकॉन एंट्री। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ला ला ला, ये उल्टा ही लिखा हुआ वैसे। ये रहा लेफ्ट। एक्साइटमेंट में गलत बिल्डिंग में घुस रहे थे और इतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई था ना कि बिंदा जाके बोला स्काई वॉक और उन्होंने बोला नेक्स्ट बिल्डिंग। मैंने बोला ओहो उल्टा पड़ गया यार, कोई बात नहीं। सो बेसिकली दिस इज द बिल्डिंग। कान बंद हो रहा है? हाँ साधिया, कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। ओके, यहाँ से एस्केलेटर लेना है 78 तक के लिए। चलो ओके, थैंक यू बाय।
ऐसा लग रहा है। आई लव योर एक्सप्रेशन। मेरे कहाँ था अब जा रहे हैं बिल्कुल ऊपर यानी कि 78th फ्लोर पे और वहां से देखते हैं कैसा है नजारा। ये पैरों में पहनने के लिए दिया है क्योंकि ग्लास पे वॉक करेंगे तो शायद गंदा हो, इसलिए ग्लास पे दाग ना हो। You have to. Oh my God. You're fine. Sure. Pikachu. He's also fine. ये गलत कर रहा था जिसको बोल दिए टर्न दैट साइड। दैट वाज माय प्रेस्टीज। दैट वाज माय प्रेस्टीज। चलो हसेओ। दैट्स हेलो। हेलो। 안녕하세요। एंड बाय। Annyeonghi gaseyo. Sadia has found her friends from Korea. Yeah. So this is our bye. Usko Korea itna pasand hai. Kyun pasand hai Korea? Because I know how to speak Korean and I love Blackpink. Blackpink mein kya hai babu? Itna khas kya hai? Their singing is good. Their fashion is good. अगर ऐसा कुछ हो जाए कि ब्लैक पिंक आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? I would scream. Oh my God. I wish I could go to a concert of them. It'd be so cool. हाँ, actually सिंगापुर में इनका कॉन्सर्ट था तो सादिया ने अटेम्प्ट भी किया था तो कोई बात नहीं। But like I saw their Instagram post recently, like, oh Blinks, Singapore was good. That means it's done already. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कभी भी कुछ भी मैजिक तो हो ही सकता है ना मम्मा। क्या पापा ने पूछा है किसी से? अपने आप जा रहा है? हाँ। किसी से नहीं पूछ रहा है, अपने आप जा रहा है। ऐसे ऐसे। कहाँ? कैसे पता? लिखा था का
हमने नहीं देखा वैसे, अगर तुमने देखा है तो फिर ठीक है। और क्यूटनेस फॉर सम फन एंड टू सी योर लक, यू कैन ट्रस्ट योर हस्बैंड इन दिस केसेस। हम एक मॉल के अंदर जा रहे हैं, वैसे मैं बताओ एक मॉल के अंदर जा रहे हैं। अच्छा क्या प्लैटिनम लिखा है, वो प्रत्युनम कहाँ है? अच्छा नहीं नहीं इस बार मैं गलत हुआ, इसको मुझे एडिट करना होगा। वहाँ पे ना लिखा है प्रत्युनम, मैंने प्लैटिनम को पढ़ा है। तो मॉल से निकलते ही आपको मिल जाएगा प्रत्युनम मार्केट मे बी, क्योंकि हम अभी भी हस्बैंड पे रिलाई करते हुए जा रहे हैं। ही इज़ वॉकिंग विद फुल कॉन्फिडेंस एंड आई लाइक इट। सादिया ने बोला है लीप ऑफ फेथ, छलांग लगाओ मम्मा। सो फाइनली वी आर एट दी प्रत्युनम मार्केट। मुझे दुर्गा पूजा का जो हम पैंडल हॉपिंग करते हैं ना, हाँ कोई बात नहीं, वो पैंडल हॉपिंग वाला फीलिंग था आज। प्रिंसेस इज गेटिंग डाउन। डन फॉर द डे, मजा आया, बहुत ही मजा आया, बहुत मजा आया। और स्काई वॉक तो वाकई बहुत ही, फर्स्ट टाइम हम गए थे तो क्या बताएं, कुछ नहीं कह सकते, पर एक बार जाना चाहिए। अरे यार सीरियस, अलग फील है जाकर, मन करेगा थाउजेंड्स ऑफ रील बनाने का। हाँ उसको ये अच्छा लगता है, हंस रही है कैसे रहे। मैं और पापा पूछ रहे थे ब्लिंक का क्या मतलब है। ब्लिंक ब्लिंक मतलब ब्लैक पिंक का फैंडम। ब्लिंक का मतलब ब्लैक पिंक फैंडम। उसका क्या मतलब है? मतलब ब्लैक पिंक, तो पिंक का इंक और ब्लैक का बी एल, ब्लिंक। ओ एक्चुअली पापा ने बोला कि ब्लिंक कुछ प्रोग्राम है तो तुम ब्लिंक का टिकट ले लो। ब्लैक पिंक है ब्लिंक? नहीं, ब्लैक पिंक का एक बुफे ऐसा भी होता है। ओ, तो वो तो हमने ऐसा लग रहा है कि हमने टिकट ले लिया है। अरे किसका टिकट लिया है? अच्छा तो कोई चार लड़की है ना जो लोग गाना गाते हैं ब्लैक पिंक। अरे क्या किया, बोले वही जो आपको पसंद है। हाँ मम्मा, ब्लिंक का मतलब वही लड़कियाँ गाना गाएगी ना, हालत देखो उसका, तो वो लड़कियाँ यहाँ पे भी गाना गाएगी। ब्लैकपिंक के कॉन्सर्ट का टिकट काटा हाँ। नहीं नहीं बाबू यहीं पे, मैंने ट्रैक नहीं रखा है एक्चुअली। क्या? मैंने ट्रैक नहीं रखा है कि कहाँ से कहाँ जा रहे हो। हाँ ट्रैक तो हमें भी नहीं है एक्चुअली। नहीं हमने शुरू में सिंगापुर का प्लान किया था, फिर कैंसिल करना। आह अरे शी इज रिपीटिंग, हम लोग ब्लैक पिंक जा रहे हैं। इसलिए इतना सारा पिंक खरीदा है। हाँ कि क्या पता आपको कौन सा वाला पसंद आ जाए, आप कौन सा पहन कर जाओगे उस दिन। मैंने अपना भी पिंक लिया, आपका भी पिंक लिया। ले आवा चोना था। उसको उसको
को पापा भी चाहिए, मम्मा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। सादिया का बहुत फेवरेट है ब्लैक पिंक। हाँ, हमें उतना समझ में नहीं आता है, बट व्हेन शी इज हैप्पी वी आर डबल हैप्पी। अब तो मेरा भी फेवरेट हो गया है क्योंकि सादिया इतना बार देखती है ना। हाँ, तो देखते देखते हमें मिरेकल ब्लिंक फैमिली। तो हम जा रहे हैं, आप भी जाओगे, बट अभी आई एम नॉट गोइंग टू रिवील द डेट, बट यस वी आर गोइंग सून। डेट तो शायद मुझे भी नहीं पता। आपको कुछ भी नहीं पता था, आपको हमने सरप्राइज किया। ये हमने इंडिया में ही ले लिया था टिकट, बट एज बिकॉज सिंगापुर वाला हो नहीं पाया था तो उसको बोला नहीं, बिकॉज वी वॉन्टेड टू कन्फर्म, और मैंने वहां से टिकट किया था। हम लोग कोशिश किए थे हम लोग सिंगापुर वाला की, वो फिर किसी वजह से नहीं हो पाया। नहीं हो पाया, बट Don't forget to subscribe, like, and hit that notification bell so you don't miss more videos like this one!